नमस्कार, मैं खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट खुशी में। आज हम बात करेंगे तुलासन के बारे में। तुलासन के बारे में ये बात करेंगे कि इसे कैसे सही तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि जब मैं बिगिनर्स थी और तब जब मैं इस आसन को ट्राई करती थी तो कई गलतियां करती थी और मुझे बहुत टाइम लगा इस आसन को सीखने में। एक बार जब मैंने इस आसन को सीखा तब मैंने जाना कि मैं कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां करती थी, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर आपके हाथों में या फिर रिस्ट में या किसी तरह का आपका शोल्डर पेन है या नेक पेन है तो इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको पैरों में भी कोई दर्द है या एंकल इंजरी है या घुटने में काफी दर्द है तो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे। सबसे पहले इस आसन को करने के लिए आपको पद्मासन में बैठना है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि इसमें आपको दोनों हाथों से अपनी पूरी बॉडी लिफ्ट करनी है, कुछ इस तरीके से। नाउ तीसरा ये पॉइंट है कि हाथों का सही जगह रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने दोनों पाम सामने की तरफ रखेंगे तो आप अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, आप सामने की तरफ जाने लगेंगे। सेम अगर 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 आप अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हैं और बॉडी लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। तो तरीका क्या है, कहाँ रखना है अपना दोनों हाथ? तो आपको रखना है अपना दोनों हाथ अपने घुटने और हिप एरिया के बीचों बीच, और इनहेल करते हुए अपने कोर मसल्स को इंगेज करते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। ध्यान लगाना है, फोकस में रहना है और होल्ड करना है। चौथा एक और पॉइंट है कि आपको अपनी बॉडी अपने फिंगर्स पे लिफ्ट नहीं करनी है, क्योंकि फिंगर्स काफी नाजुक चीज है। अगर अपनी बॉडी लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर आपने बैलेंस लूज किया तो हो सकता है आप अपनी उंगलियों को चोट पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये तरीका, ये आसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।